नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी और आपके सामने फिर हाजिर हूं अपना कार्यक्रम करियर मार्गदर्शन लेके। करियर मार्गदर्शन में मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं कर्मवीर विद्यापीठ खंडवा के प्राचार्य श्री संदीप भट्ट सर जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, अभी हम बात करेंगे एजुकेशन क्षेत्र में करियर की। हालांकि एजुकेशन बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसके अंदर हम इसको तीन भागों में रखेंगे। सबसे पहला रहेगा हमारा प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद हाई और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद आएगा फिर हायर एजुकेशन के बारे में। तो आज हम पहला जो एपिसोड कर रहे हैं, इसमें आज हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। प्राइमरी एजुकेशन में सर, करियर बनाने के लिए शायद कोई विशेष कोर्स तो नहीं होते हैं, हमारी शायद जो आम शिक्षा है उसी के अंदर हम प्राइमरी एजुकेशन में जा सकते हैं। आसिफ जी, ऐसा है कि पहले ऐसा ज़रूर था कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए आपको कुछ जगहों पर खास किस्म की योग्यता की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन देखिए देश भर में, मैं आपको बताऊं, जब से हमारे यहाँ RTE आया है, राइट टू एजुकेशन, उसके बाद में एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है और इसका विस्तार हुआ है। और आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 15.5 लाख से अधिक स्कूल हैं और करोड़ों बच्चे हमारे देश के इन स्कूल्स में पढ़ते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन में भी आज की तारीख में ठीक वैसे ही जैसे प्राइवेट स्कूल्स में हम देखते थे आसिफ जी की प्री प्राइमरी भी होता था, नर्सरी किंडरगार्टन टाइप की स्कूलिंग, वो भी सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की व्यवस्था हो गई है। और सरकारें दिनों दिन प्राइमरी एजुकेशन को, चूंकि प्राइमरी क्या होता है ना कि बेस है, ये बुनियाद है जहाँ से किसी बच्चे की शिक्षा शुरू होती है, तो अगर आपकी प्राइमरी स्कूलिंग अच्छी रहेगी तो आगे भी वो बच्चा अच्छे से सीख सकता है। इसलिए इस तरफ सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, तवज्जो दे रही है। वही बात कर रहे थे हम, जैसे एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में प्री प्राइमरी भी आ गया है। प्री प्राइमरी में सरकारी स्कूल तो है ही, इसके साथ में प्राइवेट स्कूल में एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा स्कोप है प्री प्राइमरी स्कूल्स में। तो सर, प्री प्राइमरी स्कूल्स के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। जी आसिफ जी, देखिए एजुकेशन और एजुकेटर यानी शिक्षा और शिक्षक, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके शिक्षक और अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है तो उस देश का विकास निरंतर होता रहता है और वहाँ का समाज भी विकसित होता है, इस बात की संभावना ज़्यादा होती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ शिक्षा का पूरा ढांचा तैयार किया गया है और पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक तंत्र जो है वो विकसित हुआ है। जब आप प्री प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो देखिए, शिक्षा हमारे यहाँ दो तरह से है, हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम भी है और हमारे पास में गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम भी है। हालांकि इस पर पूरा नियंत्रण जो है वो सरकार का होता है, सरकार उनके लिए नीतियाँ तय करती है, सरकार उनके लिए कोर्स करिकुलम तैयार करती है और स्कूल्स के माध्यम से वे संचालित होते हैं। रेगुलेशन सारे सरकारी है, सरकार का नियंत्रण है कहीं ना कहीं। लेकिन जहाँ तक उनके संचालन की बात है, यानी वे अपने हिसाब से अपनी जो उनकी टीचर्स का रिक्रूटमेंट है, जो उनके यहाँ एडमिशन की पॉलिसीज हैं, वे सरकार के मार्गदर्शन में रहते हुए अपने हिसाब से भी उनको फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तय करते रहते हैं। प्री प्राइमरी स्कूल्स बीते कुछ सालों में, मतलब पिछले 10-15 सालों में, पहले तो ये था कि किंडरगार्टन के स्कूल, किंडरगार्टन टाइप के स्कूल हम देखते थे कि बड़े बड़े शहरों में ही होते थे, नर्सरी स्कूल्स। लेकिन आज हमारे छोटे शहरों में भी और कस्बों में भी नर्सरी स्कूल्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से उनकी संख्या बढ़ी है। और बल्कि पेरेंट्स भी, अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल से पहले, एलिमेंट्री स्कूल से पहले भी प्री प्राइमरी स्कूल्स में भेजना, या जिनको हम प्ले स्कूल भी कहते हैं आम भाषा, वहाँ पर भेजना भी पसंद कर रहे हैं। वहाँ पर बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कराने का जो दौर होता है वो बच्चा अच्छे से सीख लेता है। असल में क्या हुआ, बीते कुछ सालों में हमारे यहाँ एकाकी परिवारों की संख्या भी बढ़ी है और बच्चों को, जो छोटे खास करके बच्चे होते हैं 5 साल से भी कम के बच्चे, उनको खेलने के लिए और बच्चे भी नहीं मिलते हैं, तो प्ले स्कूल्स में उसकी ये जरूरतें भी पूरी हो जाती है और खेल खेल में उसको स्कूल में बैठना आ जाता है। इसी के चलते शायद कुछ बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो भी इस क्षेत्र में कूद आए हैं, जैसे जी भी एक अपना स्कूल संचालित करता है ये, लेकिन सिर्फ ये इनके प्ले स्कूल ही चलाते हैं ये। और प्ले स्कूल का इतना बड़ा मार्केट हो चुका है कि वहाँ पर शिक्षकों की भी, फिर वैसे ही शिक्षकों की तनख्वाहें भी मिल रही हैं, उन्हें अच्छा वेतन मिल रहा है, अच्छा सम्मान मिल रहा है। हाँ, आपने कहा ना कि आपने एक बिजनेस घराने का नाम भी लिया, बहुत से ऐसे बिजनेस घराने जिन्होंने ये देखा कि इस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। देखिए, हर अभिभावक ये चाहता है कि उसका बच्चा, मतलब जब वो स्कूल जा रहा है
उसे शुरुआत में तकलीफें ना हो, क्योंकि अचानक से अगर आप 5 साल के बच्चे को, आप तो खैर 6 साल उसकी उम्र है पहली क्लास में, लेकिन अगर आप उसको प्री प्राइमरी में भी जो है 4-5 साल में डालते हैं, तो उसे बैठने में अचानक से आप उसको प्री प्राइमरी स्कूल भेजने लगेंगे तो समस्या हो जाएगी। 6 साल के बच्चे को भी कई बार हम देखते हैं कि पुराने समय में बच्चे बैठते नहीं थे स्कूल में ठीक ढंग से, उन्हें रोना आता था और उनको लगता है कि मैं अकेला हो गया हूँ स्कूल में, तो वैसा एक मतलब उस स्कूल के एनवायरनमेंट में वो यूज्ड टू हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए प्री प्राइमरी स्कूल्स की डिमांड बढ़ी है। और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सिर्फ बल्कि उसको बच्चे को पूरे एटिकेट्स सिखाते हैं स्कूल के, स्कूल में कैसे आना है, टीचर से कैसे आपको रूबरू होना है, बच्चे को कोई समस्या है तो बता भी सके कि मुझे ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो प्री प्राइमरी में किंडरगार्टन स्कूल में सीख लेता है। इसलिए पेरेंट्स का रुझान बढ़ा है, और जब लोगों का रुझान प्री प्राइमरी स्कूल में बढ़ा है तो स्वाभाविक बात है कि उस तरफ बड़े बड़े घराने, औद्योगिक घराने जो हैं हमारे, वे भी निवेश करें और अच्छे प्री प्राइमरी स्कूल्स भी आज की तारीख में अपनी फ्रेंचाइजीज या अपनी शाखाएँ देश के तमाम छोटे छोटे नगरों में खुल रही हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो प्री प्राइमरी से लेकर के प्राइमरी एजुकेशन तक टीचिंग का स्कोप बहुत बढ़ जाता है आसिफ जी। हाँ सर, मतलब वही बात करना चाह रहा था मैं भी कि जैसे प्री प्राइमरी स्कूल हैं, इसके लिए जो टीचर्स होंगे उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, मतलब उन्हें कहाँ मार्गदर्शन मिल सकता है, उन्हें किस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए, इस बारे में अगर हम बात करें तो सभी लोगों को फायदा। देखिए, हालांकि प्री प्राइमरी जो आपने खास करके हम बात कर रहे हैं, प्री प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स के लिए खास ऐसी तो कोई क्वालिफिकेशन या कोई स्पेशलाइजेशन का एरिया नहीं है, लेकिन अगर आपने DLED या पहले उसको NTT कहते थे, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, DLED या आपने BTC भी कई जगह इसको कहते हैं, इस तरह का कोई क्वालिफिकेशन अगर आपकी है, शिक्षण में जो है आपका कोई डिप्लोमा है DLED का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बाल मनोविज्ञान भी सिखाया जाता है। अलग अलग सेमेस्टर्स उसके होते हैं, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर, इस तरीके से इस तरह के कोर्सेज के कैटेगराइजेशन होता है इसमें सिलेबस का। तो हर सेमेस्टर में आपको कुछ ना कुछ शिक्षा और टीचिंग मेथोडोलॉजी, उसके बाद में चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके बाद में अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसको जो आपको पढ़ाने हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स करिकुलम टीचर्स को पढ़ाया जाता है ताकि वे एक प्राइमरी शिक्षक या प्री प्राइमरी एजुकेटर अच्छे से बन सकें। तब ये होता है कि जब आपने इस तरह की कोई एक डिग्री या डिप्लोमा ले लिया है। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बताऊँ कि प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स बनने के लिए 12वीं के साथ DED या DLED इस तरह की जो है आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। प्री प्राइमरी के लिए भी लगभग लगभग यही बात होती है। तो जब इस तरह का क्वालिफिकेशन आपका, इस तरह का बैकग्राउंड आपका तैयार हो जाता है, तो उसके बाद फिर आप जाकर के प्री प्राइमरी स्कूल्स में भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और अगर आप प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स किसी इस तरह के फ्रेंचाइजी स्कूल में नहीं बनते हैं या किसी बड़े स्कूल के साथ में नहीं बनते हैं, तो आप स्वयं भी इस तरह का काम कर सकते हैं, इसकी भी बहुत डिमांड है आज की तारीख। हाँ, ये एक आपने अच्छा बताया सर कि आप अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप खुद अपना व्यापार शुरू कर दीजिए, आप अपना स्कूल शुरू कर सकते हैं उसमें। तो इसी तरह हम बात करें सर प्राइमरी स्कूल के, प्राइमरी स्कूल्स में सरकार में काफ़ी हमेशा पद रहते हैं, लगातार इसके लिए वैकेंसीज निकलती रहती हैं, लेकिन डायरेक्ट आजकल भर्तियाँ नहीं हो रही है, सब संविदा के माध्यम से हो रही है। जी जी जी। तो उसके लिए तैयारी किस तरह करनी होगी और ये तैयारी आगे जाके उनके किस काम आएगी? ठीक कहा आपने, मैं इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बताऊंगा, दूसरे राज्यों के संदर्भ में भी इस बार बात करेंगे। देखिए आसिफ जी, प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स बनने के लिए जैसे कि हमने कहा आपको 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है और उसके बाद में DED जैसा आपके पास में कोई एक शिक्षण का डिप्लोमा होना चाहिए या BTC होना चाहिए, कुछ और राज्यों में इसको BTC भी कहते हैं। तो अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है तो उसके बाद में सरकार भर्तियाँ निकालती है शिक्षकों के पदों की, और इसका कोई खास पैटर्न नहीं है कि मतलब कितने समय पे निकलेगी कब निकलेगी, समय समय पे आवश्यकता अनुसार सरकार का, राज्य सरकारों का जो स्कूली शिक्षा विभाग होता है उसकी वैकेंसी अपना एडवर्टाइज करता है, कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगता है, उसके बाद में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी करा सकता है। हाँ, आजकल एक बात और भी है, TET का टेस्ट भी आ गया है कि आपको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई होना जरूरी है, कई बार ये भी चीज़ है। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे तो यहाँ पर संविदा शिक्षक नाम से भर्तियाँ होती हैं, तो वर्ग 3 की जो भर्ती है संविदा शिक्षक वर्ग 3 यानी ग्रेड 3 की जो भर्ती है संविदा शिक्षक की, वो प्राइमरी स्कूल्स के लिए एलिजिबल होते हैं। वहाँ एक टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, और उसके बाद आप जो है फिर उसकी काउंसलिंग है या मेरिट के हिसाब से फिर उनको उनकी पोस्ट के जो है अलॉट की जाती हैं। तो ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन दूसरे राज्यों में आपका टीचर्स का रिक्रूटमेंट बिल्कुल बाकायदा इसके जो वहाँ राज्य सरकार की योग्यताएं हैं और राज्य सरकार की जो आवश्यकताएं होती है समय समय पर उसके हिसाब से एडवर्टाइज करके करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है,
आप सरकारी के अलावा मैं आपको बताऊं, निजी क्षेत्र में इस प्राइमरी टीचर्स के लिए बहुत स्कोप है। आप जून का या मई या जून का आप अखबार उठा करके देखेंगे, जहां भी आप रहते हैं अपने आसपास, सैकड़ों विज्ञापन आपको दिखाई देंगे, बहुत अच्छे से। और निजी स्कूल तो यहाँ तक मैं आपको बताऊँ आसिफ जी की रहने और खाने की व्यवस्था भी देते हैं। बिल्कुल, क्या बिल्कुल वहाँ कैंपस में ही रहिए, कैंपस में ही खाई, और बहुत छोटे छोटे से कस्बों में, जैसे मैं आप चूँकि अपन खंडवा की बात कर रहे हैं तो मैं बताऊँ आपको, खंडवा में ऐसे स्कूल हैं, धामनोद में ऐसे स्कूल हैं, आपके पास खरगोन में ऐसे स्कूल हैं, बड़वानी में ऐसे स्कूल हैं, महेश्वर, बड़वा, ऐसे स्कूल आपको ढेरों मिल जाएंगे जो आपको आपको रेजिडेंसी भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपको मील्स है ना, खाना भी आपको देते हैं। तो आपको और क्या चाहिए, आपको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, आपको एक अच्छा जॉब दे रहे हैं, और दोनों बातें हैं, अगर दोनों कोई पति पत्नी वहाँ जाते हैं, दोनों क्वालिफाइड हैं, तो दोनों को भी नौकरी मिल जाती है। तो आपके लिए रोजगार का निजी सेक्टर में भी बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप एजुकेट प्राइमरी एजुकेशन को खास करके देखें तो। एक बात और है सर, प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्या अनिवार्यता होती है, मतलब उन्होंने शिक्षा की क्या अनिवार्यता है उनके लिए? देखिए, आज तो प्रतिस्पर्धा का युग है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल मतलब एलिजिबल लोग ही उसके लिए, मतलब एलिजिबिलिटी के जो पैमाना है वहीं के लोग प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए 12वीं और उसके बाद में डीएड या इस तरह का कोई एजुकेशन का एक डिप्लोमा आपको चाहिए जी। लेकिन उससे हाई क्वालिफाइड लोग भी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, चूँकि प्रतिस्पर्धा का दौर है, नौकरियाँ थोड़ी जी, कम हैं, तो हाईली क्वालिफाइड लोग भी इसके लिए आवेदन करते हैं। लेकिन वांछनीय योग्यता वही है, 12वीं पास होना चाहिए, और कई राज्यों में तो अब ग्रेजुएट भी हो गया है कि ग्रेजुएशन प्लस डीएड जिसको हम कहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद डीएड या 12वीं के बाद डीएड, तो आप प्राइमरी एजुकेशन बन सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइमरी स्कूल्स में यही एलिजिबिलिटी मांगी जाती है कि आप ग्रेजुएट हों और आपके पास में डीएड का डिप्लोमा हो। सर, जैसे डीएड या डीएलएड ये तो सरकारी तौर पर होता है, इसके अलावा भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एजुकेशन में जाने के लिए कोई शिक्षा दी जाती हो? नहीं, आपको बिल्कुल जो राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा का डिप्लोमा है, डीएड है, डीएलएड है, वही करना चाहिए। उसके अलावा कई बार युवा साथी हमारे जो है भ्रम में पढ़ करके किसी दूसरे संस्थान से डिप्लोमा या डिग्री कर लेते हैं जिसकी मान्यता नहीं होती है, तो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ उन्हीं संस्थाओं से डीएड या डीएलएड करें जिनकी मान्यता हो, जिनको वहाँ के राज्य विश्वविद्यालय द्वारा, वहाँ के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ताकि आपका समय और पैसा दोनों बचे और आपके पास में एक उपाधि भी हो जाए जिसके बाद आप जो है नौकरी करने के लिए योग्य बन सकते हैं। अधिकांश मामलों में ये देखने में आया है मध्य प्रदेश में, कई बार जो बीएड के एग्ज़ाम्स हुए थे उनके उन्हें रिजल्ट नहीं दिए गए, उनके परिणाम नहीं आए, लंबे समय तक के स्टूडेंट इंतज़ार करते रहे, बाद में पता चला कि उस कॉलेज को मान्यता नहीं थी इसलिए उसके रिजल्ट नहीं आए। तो ये सर ने एक बहुत सही बात कही है, अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो जो शासकीय संस्थान है आप उसे ही प्रिफर करें, बाद में अगर आप दूसरे किसी अगर प्राइवेट संस्थान में जाना चाहते हैं तो पहले उसकी अच्छे तरीके से अपने स्तर पर तहकीकात कर लें। बिल्कुल, और आजकल वेबसाइट्स हैं यूनिवर्सिटी की, एफिलिएशन की वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं जी। उसके बाद में एनसीटीई है, कई संस्थाएं हैं जो आपको बता देंगी, जिनकी वेबसाइट पर जाकर के बाकायदा आप देख सकते हैं कि ये संस्थान अगर हमारा है, इसमें हम प्रवेश लेने जा रहे हैं, ये मान्यता प्राप्त है या नहीं है, आजकल करना जी चाहिए। आजकल मतलब खुला हो गया है सारी चीज़ें, आप अपने घर में अपने मोबाइल पे बैठकर पता कर सकते हैं। सर, एक सवाल और आता है इसके अंदर कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, इसके अंदर जो टीचर होते हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें सैलरी क्या होती है, इसके अंदर कितनी आय हो सकती है, मतलब उनका परिवार इसकी इनकम से चल सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि जब भी हम नौकरी की बात करते हैं तो सैलरी या वेतन हमारे जहन में बिल्कुल ये प्रश्न आता है कि आखिर हमें पैसा कितना मिलेगा। payscale.com एक वेबसाइट है, इंटरनेशनल वेबसाइट है, जो दुनिया भर में अलग अलग तरह के रोजगार में क्या औसतन वार्षिक वेतन हो सकता है, एनुअल सैलरी क्या होती है, इसका स्लैब को रिसर्च करके बताता है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज, अलग अलग स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर इसका प्राथमिक शिक्षक का वेतन देखा जाए तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए सालाना होता है, यानी 20 से 25 हज़ार रुपये आपको शुरुआती दौर में आपको सैलरी मिलती है। लेकिन उम्र और मतलब आपके कार्य क्षेत्र जो है, कार्य का अनुभव जो है, जैसे जैसे आपका बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी सर्विस लेंथ बढ़ती है, तो आपका सैलरी स्लैब भी चेंज होता है, सैलरी स्केल भी आपका अच्छा खासा बढ़ जाता है, सैलरी भी बढ़ जाती है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर जहाँ तक बात है सैलरी की, तो वहाँ नेगोशिएशंस पर बात है, आपका अनुभव वहाँ पर काम करता है। शुरुआत में आपको हो सकता है कि 10-15 हज़ार रुपये मिले प्राइमरी स्कूल्स में, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊँ बहुत से ऐसे अच्छे स्कूल हैं
जो कि आपको सरकारी स्कूल में मिलने वाले अध्यापकों की सैलरी के बराबर ही या उससे भी ज़्यादा अच्छी पेमेंट ऑफर करते हैं। तो ये आपकी प्राइवेट में तो आपके बिल्कुल योग्यता पर और अनुभव पर निर्भर करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो सरकारी स्कूलों में सर शुरुआत से ही क्या 20-22 हज़ार रुपये मिलने लग जाते हैं? शायद नहीं, ऐसा है ना आसिफ जी, देखें आपने सही कहा। देखिए अगर सरकार, कई राज्यों में क्या है कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां भी होती हैं शिक्षकों की, तो कॉन्ट्रैक्ट पर अगर है तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो उसका मानदेय है, वेतन या मानदेय जो भी आप कहना चाहें, उस हिसाब से फिक्स पे मिलता है। लेकिन जैसे ही वो रेगुलर हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं, तो नियमितीकरण के बाद उनको तमाम भत्ते और तमाम सुविधाएं भी मिलने लगती हैं, तो वेतन अच्छा हो जाता है। लेकिन चूंकि प्रतिस्पर्धा इतनी है और अगर आपको विशिष्ट रूप से सरकारी सेक्टर में ही जाना है तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़े से वेतन से भी संतोष करना पड़े, लेकिन उसमें भविष्य बहुत अच्छा है। जैसे जैसे अनुभव होगा, इंक्रीमेंट लगते हैं, तमाम सारी चीजें होती है और आपका वेतन इसमें लगातार बीच में तरक्की भी होती रहती है क्या उनका? बिल्कुल पदोन्नति भी होती है। और मैं आपको बताऊँ की शिक्षा विभाग, जो स्कूली शिक्षा विभाग है अलग अलग राज्यों के, वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन से आदमी प्रमोट होते होते मिडिल एजुकेशन तक भी जाता है, यानी वो मिडिल लेवल का टीचर भी बन जाता है अगर उसकी योग्यता पूरी होती है और उसका अनुभव पूरा होता है। अदरवाइज वो प्राइमरी में भी जो है हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस जिनको कहते हैं, प्रधान पाठक, प्रधान अध्यापक या प्रधानाध्यापिका, जैसा भी हम नामकरण उनका करते हैं, उस पोस्ट तक पहुँच जाता है और उनका सैलरी स्लैब भी चेंज होता रहता है। सैलरी स्लैब भी चेंज होता रहता है, बाद में उन्हें और ज़्यादा फायदे मिलने लग जाते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। तो आज तो हमने ये सारी बात करी प्राथमिक शिक्षा को लेकर, हमने आप लोगों से सवाल भी मांगे थे, तो कुछ सवाल हमारे पास आए हैं सर। हम चाहेंगे कि उन सवालों के भी जवाब आज यहाँ पर मिल जाएं। एक नंदलाल सोलंकी हैं, उन्होंने सवाल किया है कि 12th करने के बाद अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं और बहुत परेशानी होती है, लेकिन आगे क्या करना चाहिए हमें? हाँ, 12th करने के बाद में देखिए नंदलाल जी, आपने पूछा है कि 12वीं करने के बाद क्या करें, बहुत सारी विधाएं, लेकिन 12वीं में जो आपका विषय है मान लीजिए विज्ञान है, तो आप BSc कर सकते हैं, आप मेडिकल या वेटनरी के सेक्टर में जा सकते हैं। जैसा कि हम आज टीचिंग में बात कर रहे हैं, तो आप और सारी चीज़ें न करके टीचिंग की तरफ कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, उसका DEd या किसी डिप्लोमा में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, फोटोग्राफी का है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, टेक्सटाइल का है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। आप थोड़ा अपना प्रश्न आप अगली बार भी पूछ सकते हैं कि आपको विशेष रूप से किस सेक्टर के बारे में बात करना है। हालांकि शायद अभी इन्होंने जो सवाल किया है वो एजुकेशन से संबंधित ही किया है। हाँ, लेकिन तो फिर आप डिप्लोमा इन एजुकेशन का कोर्स कर लें। और एजुकेशन में भी मैं आपको बताऊं कि अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम हैं, कुछ हमारे यहाँ डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं जिनके लिए हम दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी खास तरह की शिक्षा, विशेष शिक्षा जिसको हम कहते हैं, उसके डिग्री और डिप्लोमा भी होते हैं, उसके भी कुछ इंस्टीट्यूशन है, उस पर कभी फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उस तरह का डिग्री या डिप्लोमा करके भी आप रोजगार का एक अच्छा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, अगला सवाल सर शीतल कुमरे का है, इन्होंने कहा है कि नए नए कोर्स आने से कई बार भ्रमित हो जाते हैं, इनकी सही जानकारी भी इनके पास नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए कोर्सेज जो बनते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूशन में, वे समाज और सेक्टर की अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं हमारे, उनकी जरूरतों, उसकी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई होते रहते हैं, उनके नोमेनक्लेचर बदलते रहते हैं। पहले आप देखिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता था, आज एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स भी है, आज आपके पास रिटेल का कोर्स है, रिटेल सेक्टर बढ़ा तो रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ा तो आपके पास में एक्चुअरियल साइंस यानी ये बीमा और तमाम इस तरह के पाठ्यक्रम बढ़ गए, फाइनेंस का सेक्टर बढ़ता तो MBA फाइनेंस, HR का सेक्टर बढ़ता है MBA HR या MSW, तमाम तरह के कोर्सेज हैं। तो नोमेनक्लेचर से आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आप एक अच्छे काउंसलर से अपने सवाल पूछ सकते हैं, अखबारों में पूछ सकते हैं, जैसा हमारा कार्यक्रम होता है, इस तरह के और चैनल्स में भी कार्यक्रम होता है, वहाँ अपना सवाल पूछ सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की जानकारी पर ही निर्भर न रहें, बल्कि उस विश्वविद्यालय या उस कॉलेज की वेबसाइट पर भी देखें कि उसका कोर्स का जो रिकॉग्निशन है वो कहाँ से है, AICT से मान्यता प्राप्त है, UGC से मान्यता प्राप्त है, या कौन सी काउंसलिंग से वो मान्यता प्राप्त है, कौन सी काउंसिल से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है, उसको चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद ही फिर उसमें आप जो है अपना एडमिशन लें। सर नीलोफर शेख पूछ रही हैं, यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो क्या करना होगा और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें? अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात मेरे ख्याल से कर रहे हैं। जी। तो नीलोफर जी, ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत तो आप 10वीं से शुरू कर सकते हैं, आपके पास में बहुत से गवर्नमेंट के ऐसे जॉब होते हैं अलग अलग जो 10वीं से शुरू हो जाते हैं, 12वीं से आकर के आप SSC हो गया आपका स्टाफ, और जैसे हमारे यहाँ व्यापम की परीक्षाएं होती हैं, है ना,
और इसी तरीके से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, रेलवे की हो गई, उसके बाद में इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, सैन्य सेवाओं की बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो 12वीं के बाद में आपको लेती हैं। उसके बाद में अगर आपने 12वीं के बाद करना है, मान लिया जाए ग्रेजुएशन के बाद करना है, तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के साथ साथ आपको बहुत सी और भी जॉब्स होती हैं स्पेसिफिक, क्योंकि 12वीं के बाद अगर मान लिया जाए आप जो है वेटनरी साइंस का कोई कोर्स करते हैं, तो आपके पास में एग्रीकल्चर या वेटनरी साइंस से जुड़ा हुआ कोई कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपने किया तो कृषि विभाग द्वारा जो स्पेशल साइंटिस्ट की भर्ती होती है, कृषि विशेषज्ञों की, विस्तार अधिकारियों की भर्ती होती है, वहाँ के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी रुचि कहाँ है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। सरकार का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, रोजगार की संभावनाएँ भी उतनी हैं, भर्तियाँ भी उसी तरीके की होती हैं और उसी तरीके की क्वालिफिकेशन भी चाहिए। तो 12वीं के बाद या 10वीं के बाद आप ये जरूर अपना तय कर लें कि मैंने किस तरह की नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए खास करके बात कर रहे हैं, किस तरह की सरकारी नौकरी को चुनना है, उसके हिसाब से फिर तैयारी करते रहें आपको। और सामान्य ज्ञान का स्तर हमेशा अच्छा रखें, अखबार नियमित पढ़ते रहें, समाचार हमेशा देखते रहें, अपने आसपास की चीज़ों के प्रति, बदलावों के प्रति सजग रहें। एक सवाल आया है शिखा मिश्रा का, ये पूछ रही हैं अंक जो परीक्षा फल में मिले हैं उसके अनुसार आगे फील्ड तय करना चाहिए या अपनी रुचि के अनुसार। हाँ, आपने सही कहा। देखिए, अंक तो स्वाभाविक बात है कि बिल्कुल महत्व रखते हैं, और अंक आपके तभी अच्छे आते हैं या तभी कम आते हैं जब आपका प्रदर्शन उस किसी विषय में अच्छा होगा या खराब होगा। अच्छी होगी। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा है, मान लिया जाए किसी एक खास विषय में, आप पेंटिंग में अच्छा, आपका प्रदर्शन, आपने अच्छा मार्क्स आपको आ गए, हो सकता है आप जो एक अच्छे पेंटर बन जाए, एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाए, एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत बार हमारे भीतर ये भ्रांतियां होती है, ये हमको ऐसा लगता है कि साहब हमने चित्रकारी की तो चित्रकारी के बाद में हमारे पास अब रोजगार के अवसर क्या होंगे, हम पेंटर बन सकते हैं या कहीं पता नहीं अपना फ्रीलांस काम कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट डिज़ाइनर के बतौर भी आप काम कर सकते हैं, और बहुत से अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, IITs में भी डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं जहाँ पर इस तरह के लोगों को स्पेशली लिया जाता है। और अगर आपका डिज़ाइनिंग में हाथ अच्छा है तो आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आप अगर मान लिया जाए साइंस में अच्छी रुचि रखते हैं तो आप BSc साइंस, MSc साइंस करने के बाद में लाइफ साइंस से करें या जो है किसी दूसरे साइंस से करें, उसके बाद साइंटिस्ट का जॉब आपके लिए हो सकता है। दुनिया भर की एजेंसीज हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं जो साइंटिस्ट को अपॉइंट करते हैं। तो ये बात इस पर भी निर्भर करती है कि आपको आपकी रुचि कहाँ है, और अगर उस विषय में आपका प्रदर्शन अच्छा है तो स्वाभाविक बात होगी उस विषय में आपकी रुचि होगी, तो उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एक अंतिम सवाल है सर हमारे पास में, NVDA कॉलोनी की प्रियंका नेगरपाल लिख रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में टीचर के अलावा कौन सी जॉब मिल सकती है। हाँ, दो तरह के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जॉब्स होते हैं, एक तो एकेडमिक्स का है, दूसरा एक होता है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर या जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे आप किसी कॉलेज को लेने मान लिया जाए तो कॉलेज में जो बड़ा कॉलेज है वहाँ पर आपके टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, जैसे वहाँ पर सेक्शन ऑफिसर होते हैं, जैसे वहाँ पर क्लरिकल कैडर के लोग होते हैं, अगर कोई यूनिवर्सिटी कैंपस है तो वहाँ पर आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर हो गए आपके, हालांकि प्रॉक्टर तो कई बार जो है टीचर्स में से ही ज़्यादातर बनते हैं, लेकिन आपके रेक्टर हो गए जिनको हम जो है प्रोवाइस चांसलर भी कहते हैं। हाँ, नोमेनक्लेचर अलग अलग, नाम अलग अलग है, लेकिन बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होते हैं, स्टेट मैनेजर होते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा होता है, तो उसकी संपदा का रखरखाव के लिए, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए स्टेट मैनेजर भी होते हैं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उसके बाद में आपका आजकल ऑनलाइन दुनिया है तो आपका एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए, एक वेबसाइट का कंटेंट मैनेजर भी आप रख सकते हैं। तो दुनिया भर के मतलब नॉन एकेडमिक जॉब भी किसी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में होते हैं, तो मैनेजरियल काइंड के जो जॉब हैं, मैनेजरियल तरह के जो जॉब हैं वो पूरी तरीके से नॉन एकेडमिक होते हैं, लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इस तरह के काम के भी आपके पास में अवसर होते हैं टीचिंग के अतिरिक्त। थैंक यू सर। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए SW24 न्यूज़ के साथ में। आप हमारा कार्यक्रम खंडवा टीवी के 213 नंबर और स्काई टीवी पर 244 नंबर पर भी देख सकते हैं। आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पर। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।